बस का सफर कर रहे हैं तो यूपी रोडवेज चढ़े हाँ तो एक ही टाकी होंगी इन्हें बारहों भी बस की थोड़ी तस्वीर दिखावे इस बस के आरक्षण होंगे सीटा का सीटा माड़ा दस्यो मैंने पत्रकारों की सीट बारे जरूर दस्यो पत्रकार की जो सीट होती है हमारे यहाँ रिजर्व रहती है मूल्य कितनी सीटा रिजर्व ने दो सीट पत्रकार के लिए दो सीट वरिष्ठ नागरिक के लिए और छः सीट महिलाओं के लिए छः सीटा किधरलियाँ मूहरे वाली सामने अच्छा वो लिखा हुआ हाँ जी महिला सीट इतने दिव्यांग मतलब अपाहिज जो होते हैं हाँ जी अपाहिज जिहड़े बह सकते हैं हाँ। लूले लंगड़े लोग जिहड़े चलण च असमर्थ ने बह सकते हैं हाँ जिनके पास यूपी का पास हो उनके लिए रिजर्व है कितने सीटर वैसे कितने सीटर बस है ये 54 सीटें बस 54 सीटा अच्छा सबको आरक्षण दे दिया मियाँ बीबी की सीट कोई अलग नहीं बनाई यार नहीं मियाँ बीबी तो हम ही लेके चलते बीबी का तो हादसे वाली गल बीबी तो हमारी भी घर है कंडक्टर के विचों मैनू बहुत वधिया सवाल लगे और कई कंडक्टर अखड़ूस होते हैं कहाँ जाना है हाँ होता मिलती है बैठो ये ऐसे होते हैं यूपी में भी होते हैं हाँ जी हमारे यहाँ उनको बस यही कहेंगे भाई अपना थोड़ा व्यवहार में थोड़ा चेंज लाएं भाई पब्लिक में रहना है पब्लिक के साथ रहना है ठीक है और जी ये गाड़ी जो है पब्लिक से ही चलती है कितना पंजाब के अज आना हो पहली बार आए हो या पहला भी आया गेड़े लगे पहली बार ही आए पहले जब आए अंबाला तक ही आए अगे नहीं आए पहला यूपी वाहन इतने पंजाब च आते नहीं यूपी दसा पहले तो बहुत कम आती थी जी कोई कोई गाड़ी कभी मतलब कोई मेरठ डिपो से आ गया ठीक है किसी का टाइम टेबल है ऐसे आते थे कोई उत्तराखंड से आ गया हरिद्वार ठीक है उनका टाइम टेबल थे आती थी गाड़ी हमारी तो गाड़ी बहुत कम आती थी अच्छा कितना लगता पंजाब के अच्छे बाई हूँ पहली बार आए थे पहली बार इंटरव्यू कर ली बाई की पंजाब में आकर थोड़ा सुकून तो लगे आज ये यूपी से कहाँ से चलिए बस मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर चलिए मेरा लास्ट स्टेशन की है जालंधर इसमें सिम कार्ड वगैरह है अच्छा अपना टिकट डालो ऐसे कोड अपना डालना जहाँ का भी डालना है लुधियाना का कोड डालो डाल दिया ये पे बाई यूपीआई आ जाएगा ये करते ही बार कोड आएगा अच्छा तो उसको आपने स्कैन कर लेना बार कोड बार कोड ने स्कैन करना है ऑनलाइन टिकट आपका बाहर आ जाएगा मतलब मैं पैसे गूगल से दे सकता हूँ गूगल से अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं और हमारे पास पैसे है नहीं एटीएम खुला हुआ नहीं है तो आप बेझिझक यूपी रोडवेज गाड़ी में बैठो और कंडक्टर से बोलो कि भाई ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ेगा वो लेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है आपके फ्री फ्रू वाली सर्विस तो नहीं है लेडीज को फ्री हमारे पंजाब में यहाँ पंजाब में है फ्री है उसकी वजह से कोई दिक्कत ही आई दिक्कत कुछ नहीं आती कोई सवारी बाजी पर कह दे कि यहाँ तो फ्री है अच्छा आप भी फ्री ले जाओ तो उन्हें बता देते हैं कि भाई ये यूपी की गाड़ी है हमारे यहाँ फ्री नहीं है ठीक है केड़ी स्टेट तुम्हें ज्यादा बढ़िया लगी उत्तराखंड तो बहुत छोटी सी स्टेट है पंजाब अब पहली बार आए तो पंजाब थोड़ा ठीक लगा उत्तराखंड से ठीक है उत्तराखंड से ठीक है मतलब पंजाब की तारीफ कर रहे हैं सरहंद की दीवार के बारे में आपको पता है सरहंद फतेहगढ़ साहब के बारे में पता है सुना है मैंने ऐसा पता नहीं है मुझे अच्छा कि सरहंद पहले से ही मशहूर है यहाँ छोटे गाड़ियों काम भी बहुत मतलब तसल्ली बख्श होता है गुरुद्वारा साहब जो है उसके साहब के बारे में सुना है कि दिसंबर के आखिरी मतलब वीक में वो छोटे सभा लग हाँ जी छोटे साहब सुना है मैंने शहादत के बारे में ठीक है तो यह किराया पर किलोमीटर कितना पैंता वा 1.5 रुपये किलोमीटर पैंती है 1.30-1.35 रुपये 1.30-1.35 रुपये लगभग किलोमीटर के साथ यही होता ना टिकट का साहब साधारण का ही है कोई कहते बस अड्डे तो पहला लाना मैंने इतने ला दे उतने ला दें कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई गाड़ी तो उतना ही तेल खाएगी हाँ ये बिल्कुल नया है 2023 मॉडल है 2023 मॉडल च वाह समय की सरकार तुम्हें पता ही है जिवें कहते हैं ना सरकारी बस चढ़ो तो झटके झुटके जो लगते होंगे जो टाकिया टूकियाँ खड़कन लग जाती वो काम नहीं है हम बसा वधिया बन गई सत श्री अकाल दोस्तों रबो टीवी देख रहे हो तुम तो मैं मनजोत माजरा अच्छ बस का सफर कर रहे हैं तो यूपी रोडवेज चढ़े हाँ तो एक ही टाकी होंगी इन्हें बारहों भी बस की थोड़ी तस्वीर दिखावे तो मैं देखा बाई हूनी बई हूँ का कंडक्टर के मैं बहुत वधिया सवाल लगे और बई की नाम है थोड़ा अश्वनी अश्वनी किन्नी साल की उम्र है बई 32 साल 32 साल मतलब नौजवान ब्याह हो गया बई हाँ जी हो गया तो 8 साल हो गए 8 साल हो गए तो ये सरकारी जॉब है जी तुम कर रहे हो हाँ जी जिदे असी बैठे हैं यूपी की बस है तो सरकारी वाहन है जी तो ड्राइवर तो कितना पंजाब के अज आना हो पहली बार आए हो या पहला भी आया गेड़े लगे है पहली बार ही आए पहले जब आए अंबाला तक ही आए अगे नहीं आए अज पहली बार तुम पंजाब च अभी हमारा टाइम टेबल सेट नहीं है यहाँ का अच्छा अभी हमारा टाइम टेबल 2-4 दिन में हो जाएगा ठीक है तो तब फिर टाइम टेबल के हिसाब चलेंगे अभी तो बस ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ठीक कभी किसी को भेज दिया कभी किसी को भेज दिया ऐसे चल रहा है तो पहला यूपी वाहन इतने पंजाब च आते नहीं यूपी दसा पहले तो बहुत कम आती थी जी कोई कोई गाड़ी कभी मतलब कोई मेरठ डिपो से आ गया ठीक है किसी का टाइम टेबल है ऐसे आते थे कोई उत्तराखंड से आ गया हरिद्वार से ठीक है उनका टाइम टेबल थे हमें आती थी गाड़ी हमारी तो गाड़ी बहुत कम आती थी थोड़ी गड्डियाँ घट आई हाँ जी बहुत अच्छा पहली बार आए
मैं तो पहली बार आया अपनी 10 साल की नौकरी में, पहली बार आया 10 साल की नौकरी जो पहली 10 साल हो गए तुहानू? 10 से 12 हो गए होंगे। अच्छा किदां लगदा पंजाब दे विच अज भाई हुणी पहली बार आए ते पहली बार ही इंटरव्यू कर ली भाई दी? पंजाब में आके थोड़ा सुकून तो लगे, अच्छा तो लगे। पहले कभी भी नहीं आए बिना बस के भी? नहीं पंजाब आए हैं ऐसी बात नहीं, पर मतलब वो बात नहीं, ट्रेन से आए थे एक बार कभी। ट्रेन से आए थे? हां अमृतसर गए थे सीधा। तो अमृतसर गए वो अलग हिसाब। आज ये यूपी से कहाँ से चली है बस? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर चली है। इरा लास्ट स्टेशन की है? जालंधर। जालंधर लास्ट है, उतो वापसी है फिर? हाँ सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। अच्छा मॉर्निंग जाओगे। कितना दी जड़ी जॉब है थोड़ी, कितना दी ड्यूटी है, कितनी औखी है? मैं ड्यूटी तो हमारी जी बस भाई ये मान लो बस खोरा का टाइम पास। अब यार आज आए ड्यूटी पे और परसों दोपहर तक घर जाएंगे। मतलब घर का खाना खाना? नहीं घर का खाना नहीं, बस घर से तो बस खाना वगैरह खा के आगे। अब तो होटल वगैरह पे या फिर कहीं मतलब वैसे कोई होता है। कितनी मुश्किल होगी के काम तो करना ही है? मैं मुश्किल तो कुछ नहीं, तो आदत हो, अब तो आदत हो गई जी। अच्छा अब तो आदत पड़ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आदत हो गई। स्टार्टिंग में दिक्कत रहती भाई घर से आगे, अब कहीं पता लगा सवारी ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल पा रहा खाने का, चलने के चलने आए बस ऐसी। ठीक है तो अज मैं बस के जदों देखा भाई उन्होंने तो इंटरव्यू करने का मन आ गया कि भाई बड़े बड़े ठंडे है आपका सुभाव पहले तो ही इदा का ठंडा सा है कोई? नहीं नहीं पहले तो ऐसा नहीं था। नरम दिली है, जब पब्लिक डीलिंग होती रही ना लगातार। अच्छा तो मैं नरम होती चले गए। ये शब्द है पब्लिक डीलिंग जी, तो ये करना आना चाहिए? हाँ ये आना चाहिए सच है। बिल्कुल कोई भी अफसर हो आप भी सरकारी अधिकारी हो? बिल्कुल जी। कोई भी हो ये पब्लिक सर्वेंट हो आप ऐसा? जी जी पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक डीलिंग जो आपने बोली है वो करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल। कई कनेक्टर अखड़ूस होते हैं, कहाँ जाना है सीट मिलती है बैठो, ये ऐसे होते हैं यूपी में भी होते हैं? हाँ जी हमारे यहाँ। ठीक है उनको उनको आप क्या कहेंगे? उनको बस यही कहेंगे भाई अपना थोड़ा व्यवहार में थोड़ा चेंज लाएँ, पब्लिक में रहना है पब्लिक के साथ रहना है। ठीक है। और जी ये गाड़ी जो है पब्लिक से ही चलती है। ठीक है पब्लिक है तो गाड़ी है, पब्लिक है तो गाड़ी है भाई। विभाग हमारा तभी चलेगा जब पब्लिक रहेगी। पब्लिक हमारे से नाराज है तो विभाग पब्लिक कहाँ बैठेगी फिर, हम किसे लेके जाएंगे भाई? हम तो डिपो में भी हैं ऐसे, हम यहाँ भी आ गए ऐसे, जब कोई हमें बैठने का नहीं किसी को बैठाने का नहीं तो क्या विभाग को क्या देंगे हम कमा के? ठीक है विभाग के लिए नौकरी कर रहे हैं। अभी ये नफे में चल रही है पूरी बस, मतलब यूपी बस सर्विस जो है वो पूरे फायदे में चल रही है? बस जी नफा तो ये है भाई अपनी मेहनत है, मेहनत करी जा रहे हैं, अपनी मेहनत करे जा रहे हैं, बाकी जो है देखो मेहनत करी जा रहे हैं। जी जी ठीक है। लो जी स्टेशन आ गया, केड़ा स्टेशन आ गया हुण? खन्ना आ गया जी। खन्ने वाले उतर गए ते तुसी भी आए होका देने हो जी? आपके फ्री फ्रू वाली सर्विस तो नहीं है लेडीज को फ्री? नहीं नहीं हमारे पंजाब में, यहाँ पंजाब में है फ्री है। उसकी वजह से कोई दिक्कत ही आई? दिक्कत कुछ नहीं आती, कोई सवारी बाजी पर कह दिया कि भाई हम मतलब यहाँ तो फ्री है। अच्छा आप भी फ्री ले जाओ तो उन्हें बता देते हैं कि भाई ये यूपी की गाड़ी है हमारे यहाँ फ्री नहीं है, यूपी दिया आप थोड़ा इंतजार कर लो कोई पंजाबी गाड़ी आएगी उसमें चल लेना या फिर किराया ले लो कोई दिक्कत नहीं चलो हमारे साथ। ठीक है थोड़ा किराया करो एन पूरा ईमानदारी जिन्ने के टिकट कटते हो उन्नी के कई बार हो जाता ना ऊपर तले कर लेते हैं थोड़ा बहुत हो जाता है मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत किराए का फर्क पड़ता स्टेट में किराया कम हो जाता है। ठीक है कि स्टेट तुम्हें ज़्यादा वधिया लगी भाई अब तक के मतलब 12 साल की नौकरी में? उत्तराखंड तो बहुत छोटी सी स्टेट है, पंजाब अब पहली बार आए तो पंजाब थोड़ा ठीक लगा, उत्तराखंड से ठीक है, उत्तराखंड से ठीक है मतलब पंजाब की तारीफ कर रहे हैं भाई कहना पंजाब के लोग कितना दे लगे तुम अब फतेहगढ़ साहब तो सारिया सवारियां चढ़िया ने ते पग्गां ही तुम देख रही ने बस के उस तो पहले खाली सी अंबाले तो पहले अंबाला तक सवारी बहुत थी हमारे पास अंबाला तो सिटिंग थी गाड़ी हमारी। ठीक है अंबाला से थोड़ा मतलब गाड़ी का टाइम नहीं था तो सवारी थोड़ा कम रही। आज तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज सेवा का भी मौका मिला आज जो सरहंद की दीवार के बारे में आपको पता है सरहंद फतेहगढ़ साहब के बारे में पता है? सुना है मैंने ऐसा पता नहीं है मुझे। अच्छा कि सरहंद पहले से ही मशहूर है यहाँ छोटे साहब गाड़ियों काम भी बहुत मतलब तसल्ली बख्श होता है और वो भी गुरुद्वारा साहब जो है उसके साहब के बारे में सुना है कि दिसंबर के आखिरी मतलब वीक में बहुत लोगों ने तारीफ की है जी होर स्टेटां दे कंडक्टर ने थोड़ा जिहा पब्लिक डीलिंग थोड़ा अच्छा
करते हैं, मतलब ये तारीफ की है बापू जी ने भी आपकी। हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि भाई परमानेंट में ही चलूँ, पंजाब ही आऊँ, पंजाब की धरती पे आते रहे। जी जी, ठीक है। मतलब ऐसा गेड़े यूपी तो जलंधर तक या और रूट भी बदे, आगे तक भी जाओ, अमृतसर तक भी जाओ, अमृतसर तक, ठीक है। पर जिद्दे अमृतसर गए तो जरूर मत्था टेक के आयो। जी जी जी, ये मेरा दिल ही है। मैनू अच्छा लगे भाई नाल गल करके। तुसी नाम दस्या सी अपना? अश्वनी। अश्वनी भाई, तो थोड़े ड्राइवर साहब का नाम की नाम है? विपिन, विपिन पुंडी। विपिन साहब का भी नाम ले लेते हैं ना, उनको भी इंटरव्यू दिखानी है। तो ये यूपी, यूपी का बस है, मतलब यूपी बस सर्विस है। जी जी, तो भाई हुणे पहली बार पंजाब आए, तो असीं इंटरव्यू कर ली भाई उन्होंने। मैनू बहुत अच्छे लगे भाई का सुभाव। भाई कोई मैसेज देंगे कोई पब्लिक दे ली, कोई पब्लिक डीलिंग के? मैसेज यही है कि भाई जैसे भी हमारा कोई स्टाफ है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, कोई भी है, किसी भी स्टेट का है, पब्लिक के साथ में थोड़ा नरम व्यवहार रखे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए भाई। जहाँ तक हम कर सकते हो वहाँ तक कर लेना चाहिए। अपने अधिकारी भी, ऐसी बात नहीं, हमारे अधिकारी भी इतने हार्ड दिल के नहीं है, कोई भी हमारी बात समझे, उन्हें भी हम प्यार से कहेंगे भाई सर ऐसे ऐसे, भाई गाड़ी में सवारी हमारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहे बस अड्डे तो पहला लाना, नहीं मैंने इतने ला दे, उतने ला दे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई। गाड़ी तो उतना ही तेल खाएगी, मतलब वो वहाँ नहीं ब्रेक लानी, इतने ब्रेक ला देनी है। और क्या, सब पब्लिक के लिए तो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दो मिनट एक्स्ट्रा सही, ऐसे ही जैसे लंबे जा रहे हैं, लंबी सवारी है, थोड़ा खींच लो और क्या, थोड़ा खींच लो, जिसे ब्रेक लानी है वो फिर समा खींच के ला देना। यदि स्पीड की लिमिट की है थोड़ी? लिमिट तो हमारी वही 60-65 रहती है, पर जैसे हाईवे है, रोड खाली है, हमारे पास सवारी नहीं है रास्ते की, और सवारी रास्ते में है भी नहीं, तो थोड़ा सा 70-80 चला लो, 90 चला लो, वैसे लिमिट वही रहती है, 65-60 ते रहती है। क्या बात है। एक इस बस के आरक्षण होंगे सीटा का, माड़ा दस्यो मैं, पत्रकार वाली सीट बारे जरूर दस्यो। पत्रकार की जो सीट होती है हमारे यहाँ रिजर्व रहती है। अच्छा, जो हमारे यहाँ पत्रकार हैं उनके जो पास होते हैं, लखनऊ वाले जो पास होते हैं हमारे, अच्छा यूपी के जो लखनऊ से पास जो वो होते हैं हमारे, उनके लिए रिजर्व है सीट। और मुरली है, कितनी सीटें रिजर्व ने? दो, दो सीटें, दो सीट पत्रकार के लिए, दो सीट वरिष्ठ नागरिक के लिए, दिखाइए हमारे जे बुजुर्ग ने, हाँ और 6 सीट महिलाओं के लिए। 6 सीटा किधर लिया? मूहरे वाली सामने। अच्छा, वो लिखा हुआ? हाँ जी, महिला सीट। ते एक बार आंचू वो पत्रकार वाली सीट दिखा के, उधर टाकी कोले आ, पत्रकार की आगे होगी इधर टाकी कोले। हाँ ये यार यूपी का बड़ा, यूपी स्टेट। और ये दो सीट हमारे दिव्यांग की हैं। अच्छा, ये दो सीटा जड़ी ने आ वाली इधर वाली, दो सीट दिव्यांग की हैं। इथे दिव्यांग मतलब अपाहिज जो होते हैं। हाँ जी, अपाहिज जड़े बह सकते हैं। हाँ, लूले लंगड़े लोग जड़े चलन च असमर्थ ने वो बह सकते हैं। हाँ, जिनके पास यूपी का पास हो उनके लिए रिजर्व है। कितने सीटर वैसे, कितने सीटर बस है ये? 54 सीटें बस, 54 सीटा, जिसे 4 पत्रकार नहीं है, दो पत्रकार, दो पत्रकार और दो वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, और जी दो दिव्यांग, 6 और 6 महिला की, 12 सीट रिजर्व है। पर मैनू सब तो वधिया गल पता की लगी, जदों ही मैं पत्रकारों वाली देखी मैं कहा यार पत्रकारों लई यूपी सरकार ने क्या बात है यार, चढ़ते रहते पत्रकार फिर? नहीं नहीं, गाड़ी हमारे यहाँ अभी आ रही है यूपी में, मुझे लगता है मार्च तक हमारे यहाँ यूपी में, मतलब जो पुरानी गाड़ी है 10 साल जो पुरानी गाड़ी है वो तो बिल्कुल खत्म ही कर दी। एक मॉडल बस का? ये बिल्कुल नया है, 2023 मॉडल है। 2023 मॉडल च वाह, ता ही बस ही नहीं अगे समय की सरकार, तुम्हें पता ही है जिम्मे कहने से ना सरकारी बस चढ़ो तो झटके झुटके जो लगते होंगे जो टाकी टूकियाँ खड़कन लग जाती, वो काम नहीं है हम, बसा वधिया बन गई, एसी बसा भी आ गई। एसी बस भी है हमारे यहाँ, आ गई जनरत है, यूपी में जो होती है जनरत गाड़ी होती है, ठीक है, 2x2, 3x2 ऐसे होती है। ओके, तो यहाँ किराया पर किलोमीटर कितना पैंता वा? 1.5 रुपये किलोमीटर पैंती है। 1.30-1.35 रुपये, 1.30-1.35 रुपये लगभग किलोमीटर के साथ, यही होता है ना टिकट का साधारण का ही है, ठीक है। तो ए सी का बद होना, ए सी का थोड़ा बद जी, किलोमीटर का एक किराया जरूर बनता सीगा, पुछना भी किराया की हिसाब का, 1.35 रुपये। हाँ जी, जिन्हें भी किलोमीटर चढ़ूगा वो अड्डा टू अड्डा पैसे टिकट में होता है हमारे, कितने मतलब किलोमीटर है, कितना किराया है, सब ऐड होता है, सारा ऐड होगा जी। ऊपर जी औसतन है, जो औसत है वो 1.35 रुपये। मशीन हमारे पास सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब ठीक है, माहौल मतलब यूपी में ऐसा माहौल नहीं है, ठीक है, कि मतलब पहले जो था वो काम बिल्कुल खत्म कर दिया, अब सब ऑनलाइन हो गया। यूपी स्टेट दी काफ़ी तरीफा होने लगी हैं दोस्तों, अब हमारे यहाँ मतलब ऑनलाइन टिकट भी सुविधा कर दी हमारे यहाँ। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, इसमें हमें पूछने वाला सी, गूगल पे भी कर सकते हैं? गूगल पे भी कर सकते हैं, इसमें सिम कार्ड वगैरह है। अच्छा, अपना टिकट डालो। हाँ, ऐसे कोड अपना डालना, जहाँ का भी डालना है, लुधियाना का कोड डालो, डाल दिया, ये पे बाय यूपीआई आ जाएगा, ये करते ही बार कोड आएगा। अच्छा, तो उसको आपने स्कैन कर लेना है, बार कोड ने स्कैन करना है,
ऑनलाइन टिकट आपको बाहर आ जाएगा। मतलब मैं पैसे गूगल से दे सकता हूँ, गूगल से अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं। इससे भी नहीं होगा तो कंडक्टर ड्राइवर सब ऐसे हैं आजकल, तो सब फोन पे होंगे, गूगल पे चला रहे हैं। मतलब जेब में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तब बिना टेक आ बड़ा वधिया गल लगी मैनू। तो ये हो सकती है कई जो जॉबा जूबा वाले उन्होंने तनखा डिजिटल इंडिया सफर कर रहे हैं हम, रात होगी कहीं एकदम अचानक से, और हमें भाई ये था कोई गाड़ी तो है नहीं, एकदम से गाड़ी आ गई हमारी और हमारे पास पैसे है नहीं, एटीएम खुला हुआ नहीं है, तो आप बेझिझक यूपी रोडवेज गाड़ी में बैठो और कंडक्टर से बोलो कि भाई ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ेगा, वो लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो विभाग को जा रहा है पैसा, डायरेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक हादसे वाली बात करूँ जी। अच्छा, सबको आरक्षण दे दिया, मियाँ बीबी की सीट कोई अलग नहीं बनाई है? नहीं, मियाँ बीबी तो हम ही लेके चलते, बीबी को तो बीबी तो हमारी फिगर है। नहीं होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए, वो तो अलग है मामला, वो मामला अलग है। हाँ जी, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। हाँ, कोई अच्छा जहाँ वो अच्छा लगे, उनको तो आरक्षण ही आरक्षण है। हाँ, आरक्षण ही आरक्षण, वो कहीं भी बैठ सकते हैं भाई, उन्होंने समाज ने एको जी निगरान देखना जी जी। तो ठीक है, ऐदा ही मैं कहना भी हंसते खेलते रहे जिंदगी का क्या भाई सब, इन्नी उम्र हो गई अश्वनी भाई, कोई निचोड़ कटिया कैसी क्या जिंदगी का? जिंदगी में अपना हंस खुश के काटो, मैं टेंशन भी और सही बोलो। हाँ जी बिल्कुल सही बोलो, पोलाइटली बिल्कुल मधुर बिल्कुल है कि जितना जितना हम मधुर बोलेंगे उतना मधुर अगला बोलेगा हमारे से, जैसे को तैसा ही है ना। हम मैं अपनी मुजफ्फरनगर वाली भाषा में एक बार आपसे कहूँ हाँ। अबे तू कहाँ जाएगा हाँ। तो आप कहोगे भाई क्या कह रहा है, है नहीं यार, और मैं कहूँगा भाई वीर जी कहाँ जाओगे हाँ। तो आप भी कहोगे भाई ये तो लड़का ठीक है, मैं लुधियाने जाना भाई, मैंने ला दी, अगर नई सीट है तो भाई खड़ के चले जाऊंगा, बिल्कुल बंदा प्यार से बोले, बंदा प्यार से बोले ठीक है, यही है ना जी जी। पर जैसी आप जेड़ा तुसी बोलिया मोहब्बत कहां जाएगा, वो ऐसे बोलने वाले हैं, थोड़ा अकड़ सा गए नहीं है हमारे, कितने परसेंट रहे हैं? कुछ 15-20% तो रह गए हैं अभी फिलहाल। नई सरकार की कुछ फर्क पड़ा? बहुत फर्क है, बोलने में फर्क है, हमारे यहाँ सरकार का बहुत इफेक्ट है। मतलब कंडक्टरों की अगर शिकायत करनी है, ड्राइवर की करनी है, तो कोई नंबर भी है? हाँ जी, टोल फ्री नंबर हमारा है। अच्छा, वो क्या है? टोल फ्री नंबर है हमारा जी 1800-180-2877। वो तो शिकायत होनी है ना, वो एकदम फिर की एक्शन लेती है सरकार, तुरंत मुख्यालय से लेटर आ जाएगा अपने डिपो में, रीजन में, गाड़ी के नाम से और कंडक्टर के नाम से, ड्राइवर के नाम से एकदम लेटर आ जाएगा। अच्छा, तुरंत एक्शन होगा, उसको निकाल भी सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये सी भाई साड़ी यूपी रोडवेज के कंडक्टर साहब नाल गल, मुश्किल तो नहीं कोई बड़ी आती? नहीं नहीं कोई, सही चलता पूरा काम, कोई मतलब थोड़े फ्री नहीं ना है, साढ़े फ्री है ता करके भाषा भी एक जैसी है, पंजाब ही ऐसी, कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है पंजाब, सीधा ही है हिंदी और पंजाबी, हिंदी पंजाबी फर्क नहीं है ना, मैं पंजाबी बोली थोड़ी समझ आ गई। अब तो म्यूजिक वगैरह सब सुनते रहते हैं, गाने एक ही बात, गाने सुनते रहने। हाँ जी, केड़ा सिंगर पसंद है? सिंगर बब्बू मान वगैरह सब पसंद है। बब्बू मान देख लो भी, बब्बू मान पसंद आ भी यूपी वाले बस वाले नु भाई, क्या बात है। केड़ा कोई गाना गाने दे बोल आंदे कहदे कोई याद हो जे मुंह जड़ा अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਬੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ।